एक लड़की हॉस्टल के अंदर बरहाना हालत में पाई गई और उसकी हो गई हुई थी वगैरह की वजह से। जो लड़कियां नशा करती हैं या मंशात पे लग जाती हैं, ये उनको हॉस्टल में लगाया जाता है या कहीं बाहर से ये डोप होता है? हॉस्टल से तो नहीं लगाया जाता, खैर हॉस्टल वाले इतने भी तो नहीं गैरत, इस तरह की कोई बात नहीं, ये बाहर से होती है। जब आप बॉयफ्रेंड्स बनाते हो, बॉयफ्रेंड्स के साथ जाते हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप अडॉप्ट करते हो। आप जब ऐसी गैदरिंग में बैठोगे जो गलत गैदरिंग है, तो वहाँ पर ये चीज़ें अडॉप्ट फिर लड़कियाँ करती हैं और वहीं से लगती हैं। जो लड़के हैं वो उनको तस्कीन लेने के लिए नशा पे लगा देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, रिसेंटली एक रिसर्च हुई है, 70% खवातीन स्मोकिंग करती हैं पाकिस्तान में। 72% तो नहीं, 72% मुझे तो 70 भी बहुत ज़्यादा लगता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ वो 70% है कौन, लेकिन लाहौर में देखा जाए तो बहुत से कैफों में ऐसी खवातीन पाई जाती हैं जो स्मोकिंग करती हैं। तो देखिए, हम ऐसी ख्वातीन कल को घर नहीं बसा सकती। बहुत सी ख्वातीन की तलाकें इसी वजह से होती है, डिवोर्स जब होती है तो यही वजह होती है कि वो मंशियात में मुबतला। जो औरत मंशियात में मुबतला होगी, वो अपने घर को, अपने शोहर को वो किस तरह संभालेगी? ये तो ये चीज़ें हैं, ये हकीकत है। 50-50 चीज़ें हर जगह पर पाई जाती है, हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह हॉस्टल्स में, अच्छी बुरी हर वही बात आ जाती है, एक गंदा तो सारे गंदे। मुझे ये भी बताइएगा कि कहा जाता है कि मोस्टली हॉस्टल्स वाले भी लड़कियों को मिसयूज़ करवाते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? हमजा, ऐसा कुछ नहीं होता, अब इतना भी नहीं है कि हॉस्टल वाले ऐसा कुछ नहीं करते, ना ही कुछ इस तरह का सीन है। हो सकता कुछ हो भी, लेकिन मेरी आंखों से तो ऐसे, मैंने इतने हॉस्टल चेंज किए हैं लेकिन अभी तक इस तरह का कोई सीन नहीं देखा। अच्छा, कुछ दिन पहले की बहुत ज़्यादा खबर भी हाइलाइट्स थी कि एक लड़की हॉस्टल के अंदर बरहाना हालत में पाई गई और उसकी हो गई हुई थी वगैरह की वजह से। तो इस तरह आप भी इतने ज़्यादा हॉस्टल्स में रह चुकी हैं, चेंज भी की हैं, तो आपके साथ भी कभी इस तरह का कोई आपने सामने अपना कोई शेयर करना चाहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सी लड़कियाँ हैं जो, अच्छा, हॉस्टल में हर लड़की स्टूडेंट भी नहीं होती, ये मैं सबसे पहले बात बता दूं। कुछ जॉबियन होती है और कुछ घरों से भागी हुई भी हॉस्टल रहती हैं बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में। नहीं, जो घरों से भाग के आती हैं, जब हॉस्टल्स में आती हैं उनका डाटा एंट्री वगैरह नहीं होता? होती है एंट्री, सारा कुछ आपको पता, फेक क्या नहीं हो सकता पाकिस्तान में, इससे एवरीथिंग फेक हो सकता है। तो जो इस तरह की मंशियात में मुबतला होती हैं स्टूडेंट से ज़्यादा, जो घरों से भागी होती हैं या इस तरह की होती हैं, वही करती हैं। तो स्टूडेंट्स तो मुझे लगता बहुत कम, लेकिन स्टूडेंट्स हैं, ये हकीकत है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं। बच्चों पे बच्चों की खबर रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, ये हमारे पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो ख़वातीन है ये मंशियात को सेल भी करती हैं? होता है, सुनने में, लास्ट टाइम जब मैं एक क्राइम शो करना था तो रिसर्च कर रही थी, तो मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पे मंशियात फ़रोख्त होती किसी हॉस्टल में। अच्छा, मैंने काफ़ी सर्च की, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई, खैर ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला कि जिसकी बेनियाद पे मैं वो उसको आगे प्रोग्राम कर सकती या उसको मैं देख सकती, तो ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, फिर वो मैंने स्किप करवाया। मसाज सेंटर खुले होते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट लड़कियाँ होती हैं, ऐसा भी होता है। अभी मुझे रिसेंटली एक ख़बर मिली है कि इधर इर्द गिर्द एक मसाज सेंटर है जहाँ पे लड़कियाँ हैं और वो जी वहाँ पे लड़के आते हैं और ये सीन होता है। तो उसमें हमारी पुलिस भी, पुलिस अंधी थोड़ी है, सबको पता है हमारे अदारे ही तो ये गलत काम करवा रहे हैं, गलाजत की जो है हमारे अदारे ही तो फैलवा रहे हैं। अदारे के कुछ लोग उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। आप बरकत मार्केट चले जाएं, वहाँ पुलिस सामने खड़ी होती है और रोशी वाली औरतें खड़ी होती हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं अदारे तो अपना पैसा लेते हैं और जी सब कुछ जो होता है उन्हें। तो वो जो लड़कियाँ रोड्स पर खड़ी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के, आप सराउंडिंग में जाएंगे, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में जाते हैं या और भी लाहौर में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, उनके नियरेस्ट आपको रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ खड़ी हुई मिलती हैं। अच्छा, मैं ना रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी, दरअसल क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर हो गई, हमने जाना था जमान पार्क, मैं रोड पर खड़ी हुई और लिटरली वो बंदा ना गाड़ी के शीशे नीचे करके कहता जाना, उसको तो मैंने 3-4 दी और मैं खुद भी बहुत खौफ ज़्यादा हो गई थी उस टाइम में। मैं तो एक दफ़ा मैंने कहा, और टाइम कुछ ज़्यादा नहीं था, 8 बजे का टाइम था तकरीबन, इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि कोई बड़ी नाइट का टाइम हो तो इस तरह, तब यूनिवर्सिटी भी खुली हुई थी। तो चंद एक ख़वातीन की वजह से बहुत से मसले मसाइल दूसरी ख़वातीन को भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं।